हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने सी टैट की यानी सी टैट सी डी बी प्रैक्टिस करेंगे। और सी टैट सी डी बी प्रैक्टिस यानी कि सी टैट में जो सी डी बी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम किसके अनुसार कर रहे हैं, वो हम आपके टैग वर्ड के अनुसार कर रहे हैं, यानी कि जो आपके टैग वर्ड्स हैं उनके अनुसार कर रहे हैं। और टैग वर्ड्स आपको लिखवा दिए गए हैं सारे के सारे सी डी पी के, और सी डी पी के टैग वर्ड्स को आपको यूज़ करते हुए किस तरह से आपको ऑप्शनों को काटना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज हमने दूसरा पेपर ले लिया है, यानी कि कल हमने 2013 तक का पेपर देख लिया था। 2013 के पेपर में आपको मैंने बता दिया था कि किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से आपको ऑप्शन काटने हैं। ये शायद से 2014 का पेपर है, तो इसका हम लेके चलते हैं, 2014 के पेपर को लेके चलते हैं। और 2014 के पेपर में हम देखते हैं पेडागोजी में टैग वर्ड्स को किस तरह सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षक को यह मांग करता है कि वह, अब वह आ गया और उसमें पहला ही ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, कठोर का ऊपर, यानी कठोरता की अनुशासन की बात कर रहा है। जब कठोर अनुशासन होगा तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। क्या करना है, जब भी आप क्या करो, कक्षा वातावरण की बात करो, क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करी थी हमने, क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या करना है, फ्री एनवायरनमेंट, फ्रीली चाइल्ड को छोड़ना है, मुक्त वातावरण, यानी कि बच्चों को फ्री छोड़ देना है। तो फ्री छोड़ देना है तो यानी कि इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कह रहा है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्त का यानी युक्तियों का अनुकूलन करना, ये अप्रोप्रिएट थोड़ा ठीक बैठ रहा है। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं बाल यानी वाले बालकों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी पहले का ऑप्शन नंबर 4 पढ़ेंगे हम, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिससे वह केवल यानी परिणाम केवल संज्ञानात्मक हो, क्या हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड। तो कितने कटे, यानी कि आपका मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व कर दिया, पूरे के पूरे टैग वर्ड से सॉल्व कर दिया। तो आपको क्या करना है, क्या पकड़ना है, टैग वर्ड पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहाँ केवल, अगर आपको इन दोनों में से भी डिफरेंस निकालना था तो ये क्या, केवल, ये कट गया। तो अब बचे दोनों, अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 3 कैसे काटोगे, तो क्या कह रहा है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार करना की बात कर रहा है। अब समान रूप से व्यवहार करने की बात कर रहा है वो, विभिन्न जो यानी कि वो मिक्स एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, अवसर यानी कि रूप से व्यवहार करेगा तो कहीं ना कहीं व्यवहार जरूर करेगा, पर वो भी कहीं ना कहीं व्यवहार करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर क्या कह, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका हो जाएगा विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करना, यानी कि उससे कहीं ना कहीं जब शिक्षण के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य यानी कि शिक्षक को यह मांग करता है कि वह विकासात्मक कारक को लेकर चले, ठीक है। अब ये कहा है, किसने कहा है, अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन, यहाँ ये आपको क्या है, थोरनडाई के प्रतिपादन अधिगम, यानी कि थोरनडाई के, ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा से यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा थोरन डाइक प्रतिपादित अधिगम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका किससे, टैग वर्ड से पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, यानी टैग वर्ड का कितना रोल आपके सामने अदा हो रहा है और कितना चुटकियों में आप क्या कर रहे हो,
चीज़ों को अगर ना भी पढ़े हम। चलो इस अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या है, बस एक बार ये देख लेना नेगेटिव है पॉजिटिव। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखता जब तक, ठीक है। अब लेके चलते हैं नीचे से ऑप्शन, या चलिए ऊपर से लेके चलते हैं, कहीं से भी ले लीजिए। अब इसमें क्या कहा था मैंने कि बड़े ऑप्शन पकड़ने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सीख नहीं सीख सकते, अब नहीं सीख सकते उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकता के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, जो यानी कि सामाजिक उद्देश्य के आवश्यकता के अनुरूप है उनके अनुसार ना पढ़ाया जाएगा तो तब सीखेगा नहीं। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यानी कि दो का ऑप्शन नंबर दो पढ़ेंगे, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उनके यानी उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं निकट भविष्य में उनके परिणाम यानी परीक्षण के लिए उपयुक्त हो जाएंगे या परीक्षण किए जाएंगे या फिर इस तरह की चीज़ें यानी टेस्ट के लिए टेस्ट ओरिएंटेड। गलत हो गया। वे सीखने के लिए तैयार ना हो, क्या होगा, जब वो सीखने के लिए तैयार ना हो। आपको मैं कहूँ कि मैं आपको, आपने कहा कि जी मुझे एक आपको यानी कि आपने कहा मुझे जर्मनी की भाषा सीखनी है या फिर कोई सी भाषा सीखनी है, मान लीजिए आपने अंग्रेजी भाषा सीखनी है, ठीक है। कह दिया आपके यानी कि आपने कहा कि यार मुझे अब तो अंग्रेजी भाषा किसी भी कीमत पर सीखनी है, ठीक है। आपका मन भी उस चीज़ के लिए तैयार है, आपका तन भी उसके लिए तैयार है, आपका दिल भी उसके लिए तैयार है, यानी कि एक तरह से आप क्या कर रहे हो, पूरे समर्पण हो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए। और एक तरह मैं कह रहा हूँ नहीं जी अंग्रेजी भाषा की जगह आप ये कहें इस यानी ये विदेशी भाषा सीखो, तो जब विदेशी भाषा सीखोगे, और मैं क्या कह रहा हूँ ज़बरदस्ती सिखा रहा हूँ, जब आप तैयार नहीं हो किसी भाषा सीखने के लिए तो क्या आप वो सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। शिक्षार्थी तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वो क्या है सीखने के लिए तैयार ना हो। अब मैं अंग्रेजी यानी आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हो, मैं भी आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ, तो क्या है आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे, और जहाँ आप 10 दिन में सीखने वाले थे वहाँ 5 दिन में भी सीख सकते हो। ये होता है चीज़ें इम्पोर्टेंट। फिर आगे पढ़ने की जाती है, दैनिक आधार पर घर के माता पिता के विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछना चाहिए। देखो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ थी, ये क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न आपको आया था, एक मिनट आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं एक बार दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, पर वो इसी से रिलेटेड था, अब याद नहीं आ रहा मुझे। फिर आपका आ जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में से किस यानी किस घटक पर बल देता है, तो इसे छोड़ दीजिए हमारा क्वेश्चन नहीं है। मानव सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, तो मानव सामाजिक आपको पता है मानव सामाजिक क्या है, वैसे दोनों का आंसर पता होना चाहिए। देखो ऊपर वाले का आपका क्या हो जाएगा पोषक, ठीक है, और मनोसामाजिक में आपको कितनी बार बता चुका है, मनोसामाजिक का क्या होगा यानी कि मनोसामाजिक इसमें हो जाएगा किस पर बल देता है, तो इसमें हो जाएगा लैंगिक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यह हो जाएगा, आगे चलते हैं, हमें पेडागोजी कवर करनी है, ये भी इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे भी यानी कि आप एक शिक्षक के रूप में रैंकिंग यानी कि रैगिंग और इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, जब रैगिंग और इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, और ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने आपको क्या कहा था, इन्हें रट लेना, परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और सामाजिक व्यवस्था, ये सारे के सारे रट लेने हैं और सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। वैसे इसमें क्या होगा, जब इसकी रैगिंग की बात आएगी उत्तर परंपरागत वाला हो जाएगा, इसका क्या होगा, ये क्या है, ये तत्वों के लिए सांस्कृतिक रूप में तो ये देखो ये इसका आंसर पांचवें का आंसर होगा, इसका वाइगोत्स्की है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसमें जब क्या कह रहा है वो देखो यानी सांस्कृतिक रूप की बात कर रहा है, सांस्कृतिक रूप में बच्चे की सांस्कृतिक रूप की बात कर रहा है, तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किस कथन से संबंधित यानी कि किस निम्न में सॉरी प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। देखो अब प्रगतिशील शिक्षा मैंने आपको बताया था,
प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात आई थी, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब बात आती है तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? देख, प्रगतिशील शिक्षा में आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था, बल्कि प्रगतिशील शिक्षा में आपको सबसे पहले क्या करा है, शिक्षक यानी कि उसकी जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन और जो अथॉरिटी यानी कि सूचना प्रबंधन का प्रवक्ता होता है, नहीं जी इस तरह की बात नहीं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं टीचर को क्या कह रहा है, वो सूचना और प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। नॉलेज जनरेट के नाम यानी कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा आपका, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। दंड यानी कि दंड मापदंड यानी परीक्षा मापदंड तो बिल्कुल नहीं होगा। अधिगम तथ्य और एक यानी कि एक एकत्रीकरण और कौशल के इस तरह की सीधे मार्क वाली बात तो होगी नहीं, तो बचे कौन सा, ये बचा आपका इस तरह के ऑप्शन आपको पकड़ लेने हैं, ठीक है। बहुबुद्धि के सिद्धांत में आपको सीधे के सीधे आपको क्या पकड़ना है, यानी कि एक ही क्वेश्चन आपका क्या है इससे, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा बताइए, 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, गति कोती है, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेयरमैन यानी बुद्धि के स्पेयरमैन के परीक्षण में जी कारक क्या है, जी कारक आपको पता ही है, सामान्य यानी जनरल, जनरल इंटेलिजेंस, तो ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें हो जाएगा सामान्य। अब इसमें क्या है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है भाई जी फॉर जनरल, तो ये हो गया आपका आंसर, लगा लो इतने को, यानी कि एक तरह से आपको क्या है पेपर का पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब आता है क्या है, छुपे हुए यानी वस्तु एक ढूंढने के निकालने वाला, भाई क्या हो रहा है, छिपी हुई वस्तु का क्या कर रहा है, ढूंढ के निकाल रहा है। अब यहाँ पर बच्चे क्या लगा देंगे, समस्या समाधान, नहीं भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं है, वो क्या कर रहा है, वस्तु की बात कर रहा है, वस्तु किसकी बात कर रहा है, वस्तु की बात कर रहा है, तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव, या सॉरी ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ यानी कि उसकी वस्तु की बात कर रहा है, तो वस्तु ही आएगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर किसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जब रीजनिंग यानी कि रीजनिंग वाली इंटेलिजेंस आती है, यानी कि आपकी मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो वाली आ जाएगी, यहाँ पर तर्क करना वो उसमें आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका आज का, इससे आपको क्या है थोड़ा सा, आप जैसे आपका 11 नंबर का पेपर 11 तक करा दिए, अब इसके आगे खुद करके देखिए, खुद प्रैक्टिस करके देखिए, खुद क्वेश्चन कोई सा पेपर उठा ले, कोई सा भी पेपर टू के, जैसे पेपर टू की तैयारी कर रहे हो तो पेपर टू का कोई सा पेपर उठा लो आप, ठीक है, उठा लिया आपने, अब पेपर टू का कोई सा पेपर उठा लिया, खुद करके देखो, फिर क्या उसके आंसर की चेक करो, और आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं काट रहा हूँ वैसे ही काटना है, कोई नहीं पेपर आपका है, सब कुछ आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है, भाई मापदंड की बात आएगी, किसकी बात कर रहा है, मापदंड की बात कर रहा है, मापदंड में क्या आएगा भाई, कहीं ना कहीं वो एक तरह से लिंग की बात कर रहा है, यानी कि इसमें क्या है समाज के लिंग के माप समानता के मापदंड की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़, विद्यालय पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, भाई तुलना कर दी, क्या कहे था मैंने, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आपका क्या है, कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में यानी कि विशेष योग्यता प्राप्त, विशेष योग्यता, ठीक है। अगला क्या है, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुलना और यहाँ पर तुलना में अंतर हो जाएगा, क्यों, अब जैसे क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग एंड एमबीबीएस, सॉरी एमबीबीएस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें लिखे इंजीनियरिंग में लड़के बॉयज़ और गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें, समाज में लिंग यानी कि समानता के मापदंड क्या है, यहाँ पर इंजीनियरिंग में ले रहे हैं मतलब 100 बच्चे ले रहे हैं लड़के, और क्या है 80 लड़कियाँ ले रही हैं, यहाँ पर क्या है 90 लड़के ले रहे हैं और 100 लड़कियाँ ले रही हैं, तो क्या है ये क्या है समानता दिखा रही है या किस चीज़ के मापदंड को दिखा रही है, इस तरह की चीज़ें आएंगी,
तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या कर रहा है, लड़के और लड़कियों यानी कि 12वीं तक पहुँचने वाले जो बच्चे हैं, 12वीं तक जो पहुँच रहे हैं उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या को तुलना कर रहा है वो, ठीक है। अब ये क्या, इसमें क्या हो जाएगा, ये अप्रोप्रिएट आंसर बैठता है इसके मापदंडों के अनुसार, यानी कि मापदंड वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने तुलना के बात क्यों करी थी, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, विद्यालय में पुरुष और महिलाओं शिक्षकों की संख्या में तुलना कर रहा है। भाई इसमें क्या है, भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है भाई, कि कहना कितने आदमी हैं कितने औरतें हैं, अच्छा औरतें कम हैं यहाँ पर, ये इस तरह की चीज़ है, तो यहाँ पर ये चल जाए, यहाँ पर भेदभाव हो जाएगा। पर यहाँ पर इसका क्या होगा, भेदभाव के कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि इस तरह की जब क्या आएगी, यानी समाज में लिंग के मापदंड की बात आ जाएगी, किसी भी समाज में बालक और बालिकाओं का की जो चीज़ें हैं किस तरह से पता चलेगी, भाई कितने क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता है, कितनी क्या है बालक और बालिका क्या एक समान पढ़ रहे हैं, कितने वहाँ तक पहुँची हैं लड़कियाँ, कितनी संख्या में क्या है लड़कियों का इजाफा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये क्या है, एक तरह से क्वेश्चन आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।